चेयरमैन पति बहेड़ी ने ग्राम मनुआपट्टी भोज डंडी अरहरपुर गांव का दिन और रात में ताबड़तोड़ दौरा किया और जरूरतमंद और असहाय परिवारों को घर घर जाकर राशन सामग्री वितरित की। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा गया और लोगों से अपील की गई कि वो अपने घर पर रहें और लॉकडाउन का पालन करें। इस वक्त केंद्रीय टीम पहुंची है बहेड़ी। बहेड़ी में एक विधानसभा में चेयरमैन पति नसीम अहमद लोगों की मदद कर रहे हैं, लॉकडाउन के चलते लोगों को सहायता प्रदान कर रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये है नसीम अहमद जो लोगों को अनाज प्रदान कर रहे हैं और लोगों की मदद करते हैं। हमेशा ही नसीम अहमद मदद करते चले आते हैं लोगों की और हर तरीके से हर वक्त मदद करते हैं। लोगों को खड़े हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग लाइन में खड़े हैं, सबको एक एक पैकेट दिया जा रहा है। पैकेट में भी काफ़ी सामान है, चावल है, आटा है, आलू है, हर तरीके का सामान है। कम से कम 10-12 किलो इस पे वेट है, वजन है। अब बात करते हैं नसीम अहमद साहब से। स्वागत है, आप मदद कर रहे हैं लॉकडाउन में चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो पूरे विश्व के अंदर कोरोना वायरस फैला हुआ था उसका असर विश्व के अलावा हिंदुस्तान पे भी पड़ा और हिंदुस्तान पे ऐसा असर रहा कि पूरे देश में लॉकडाउन हमारे प्रधानमंत्री जी को करना पड़ा। और लॉकडाउन होने के साथ साथ जब लोग जो डेली कमाने खाने वाले मजदूर, किसान, गरीब, वो लोग कोरोना से बीमारी से तो कम मर रहे थे और भूख से ज़्यादा मर रहे थे, ये देखते हुए हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया कि कम से कम जब तक हम लोग अपने पूरे बहेड़ी क्षेत्र के अंदर कोई भूखा अगर सोएगा उसे सोने नहीं देंगे। आखिरी लॉकडाउन जब तक रहेगा हम लोग गरीबों में जाके उनकी मदद करते रहेंगे। इस पैकेट के अंदर हमारे चावल, आलू, प्याज सब सामग्री है जिसे बाजार में कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अब तक कितने लोगों की मदद कर चुके हैं आप और कितने दिनों से ये आपका प्रोग्राम चल रहा है? जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है ये तभी से चल रहा है और जहाँ तक गाँव की बात है, कम से कम पूरा हमारा, आपने देखा होगा कि विधानसभा में हमारा जो है दबखोदा ब्लाक भी आता है, रिछा ब्लाक है, शेरगढ़ ब्लाक है, कम से कम हमारे इस वक्त मेरे हिसाब से हम लोगों ने 120 गांव कवर कर दिए हैं और आज हम हैं मनुआपट्टी, ये हमारा 113वां गांव है। इसके बाद यहां से हम हररपुर और हररपुर के बाद हम लोग भोजडांडी जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि नसीम अहमद लगातार मदद करते हैं और गरीबों के हर वक्त तैयार रहते हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, लोग खड़े हैं और इनको भी पूरी मदद की जाएगी। दो दो गाड़ियों में इन्होंने माल रखा है और उसका वेट भी कम से कम 12 से 13 किलो है। के न्यूज के लिए बरेली से फजलुर रहमान। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।